गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर फोर में फोर तक कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम एक्सरसाइज फोर सी फ्रॉम फ्रैंक ईएमयू बुक्स आईसीएसई फॉर क्लास नाइन चैप्टर है फैक्टराइजेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव को करना है, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका इसके फैक्टर को निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर ऑफ फोर माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर ऑफ फोर, ठीक है ना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले तो इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख लें, ठीक है ना। ये है माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मेरे पास स्टूडेंट देखिए, मेरे पास लिखा है माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या लिखा है स्टूडेंट, माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा इसको हम क्या लिखने जा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसको अगर हम लिख दें टू इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट किया हुआ है, ठीक है ना। मिडिल टर्म को क्या क्या स्प्लिट किया है, देखिए टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे मिलेगा माइनस सेवन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए इतनी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये लिखा है माइनस नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं थ्री ए बी का होल स्क्वायर। इसको हम जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मुझे मिल जाएगा नाइन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन गया है, ठीक है, बहुत आसान है। अगर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बनता है तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। आइए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी यानी प्लस थ्री ए बी, और दूसरे ब्रैकेट में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है स्टूडेंट, ये मेरा फाइनल आंसर है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए स्टूडेंट मुझे क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर ऑफ फोर प्लस नाइन बी टू द पावर ऑफ फोर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्लियर है ना। चलिए आइए देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी थ्री बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया स्टूडेंट मेरा, ठीक है ना, क्लियर है। इतनी चीज़ें मुझे हो गई हैं। देखिए अब क्या लिख सकते हैं, प्लस टू इंटू ए इंटू बी, तो टू इंटू थ्री करेंगे सिक्स, सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसमें से अगर माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे तो स्टूडेंट क्या मिल जाएगा, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी इस तरह से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है, इस तरह से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए आइए अब देखिए क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इसको हम माइनस फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर को लिख सकते हैं टू ए बी का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में स्टूडेंट ए माइनस बी, क्लियर है, ए प्लस बी ए माइनस बी, क्लियर है स्टूडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें हमने जिस फॉर्मूले का यूज़ किया है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स भी बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, क्लियर है स्टूडेंट।
ठीक है ना, ये मेरा है, ठीक है ना। आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, ए टू द पावर ऑफ 4 प्लस 25 बी टू द पावर ऑफ 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5 वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए देखिए, प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी, देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। मेरे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी इसमें से हमें करना है 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। ये मेरा फाइनली आ गया है, ठीक है इस स्टूडेंट। क्लियर है, देखिए ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से देख लीजिए, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 5 का स्क्वायर 25 और b टू द पावर ऑफ 4 प्लस हमने क्या किया 2ab यानी 2 इंटू 5 10 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसमें से हम माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जिसका एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया 3ab का होल स्क्वायर, तो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, इससे आगे की प्रॉब्लम्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन ऑल द स्टूडेंट्स थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।